उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मातीपुर उर्फ मैनी में एक 10 वर्षीय किशोर का शव गांव के पास ही एक तालाब में तैरता हुआ दिखा। जब सब ग्रामीणों ने देखा तो उसकी सूचना बाकी के ग्रामवासियों को दी गई। इस घटना में गांव में कोहराम मचा दिया और आनन फानन में गांव के कुछ युवकों ने मृतक शव को शिनाख्त कर शव को पानी से बाहर निकाला और उसके घर पहुँचा दिया। गाँव के रहने वाले इस्लाम पुत्र कुल्लू के रूप में मृतक की शिनाख्त हुई है। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जब मृतक के परिजनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने परिवार वालों ने बताया कि मृतक इस्लाम का दिमागी संतुलन काफी समय से ठीक नहीं चल रहा था। हो सकता है कि तालाब में नहाने के लिए गया हो और गहरे पानी में पहुंचकर डूब गया हो, जिससे इसकी मौत हो गई हो, और हम इस पर किसी के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्यवाही और पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, जिससे मृतक के परिवार के सभी को रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। नाम है आपका? मुजम्मिल अली। अच्छा मुजम्मिल भाई, ये जो डेड बॉडी मिली है तालाब में, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि ये हमारा भाई सुबह से लापता था और इसकी इसे ढूंढने का प्रयास चल रहा था सुबह से, लेकिन ये मिल नहीं पा रहा था हमें। और अब कुछ देर अब दोपहर को ये पता चला कि बराबर में किसी ने हमें ये सूचना दी कि गांव के करीब में ही एक छोटा सा तालाब था, वहां पर सूचना ये मिली कि डेड बॉडी वहां पर पड़ी है। तो हम लोग जब वहां गए तो हमने जाकर वहां देखा कि वहां ये हमारा भाई मौजूद था, हम इसको उठाकर यहां ले आए। अब ये है कि अब ये एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, किसी पर शक है? किसी ने पानी में किसी पर शक नहीं है। क्या चाहते हैं हम? बस हम ये चाहते हैं इसको यहीं सुलझा दिया जाए, कोई शक नहीं है हमारी डेड बॉडी डेट एक्सपायर। पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ दी थी सूचना। तो पुलिस आई मौके पर? हाँ मौके पर पुलिस मौजूद है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।